हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज़ इकोनॉमीज़ एंड डिस इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। कोई भी कंपनी इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल को तब अचीव करती है जब वो अपने ऑपरेशंस को इनक्रीज़ करके अपनी पर यूनिट कॉस्ट को रिड्यूस कर देती है। उसे कहते हैं इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। अब अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो किसी भी प्रोडक्शन में लगने वाली कॉस्ट दो तरह की होती हैं, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ तो बनता है टोटल कॉस्ट। तो सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज़ फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट प्रोडक्शन में लगने वाली वो कॉस्ट है जिसका प्रोडक्शन के घटने और बढ़ने से कोई लेना देना नहीं होता। यानी कि ये पैसा एक बार लग गया तो फिर चाहे प्रोडक्शन ज़ीरो हो या प्रोडक्शन 100 यूनिट्स हो, ये कॉस्ट उतनी ही रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक बिल्डिंग परचेज़ किया, आपने एक मशीन परचेज़ किया। अब चाहे आप मशीन या बिल्डिंग में कोई काम स्टार्ट करें या ना करें, आपने उसके लिए तो पेमेंट कर दिया, इसलिए ये कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट कहलाती है। दूसरी कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन में लगने वाली वो कॉस्ट है जिसका सीधा रिलेशन प्रोडक्शन से होता है। यानी कि अगर प्रोडक्शन को इनक्रीज़ करना है तो आपको वेरिएबल कॉस्ट को भी इनक्रीज़ करना होगा, और अगर आपको प्रोडक्शन डिक्रीज़ करना है तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज़ हो जाएगी। ये कॉस्ट लगती है जैसे रॉ मटेरियल पे या लेबर पे। तो अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो रॉ मटेरियल बढ़ाना पड़ेगा, और अगर रॉ मटेरियल को बढ़ाना है तो उसके लिए आपको पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो ये कॉस्ट आपके प्रोडक्शन के घटने और बढ़ने के अकॉर्डिंग घटती बढ़ती रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कंपनी इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल को तभी अचीव कर पाएगी जब वो अपने ऑपरेशंस को इनक्रीज़ करके अपनी पर यूनिट कॉस्ट को डिक्रीज़ करे। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल भी टू टाइप्स के होते हैं, यानी कि कंपनी को प्रोडक्शन को इनक्रीज़ करने से या अपने ऑपरेशंस को इनक्रीज़ करने से दो तरफ से फ़ायदे होंगे, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल की अगर बात करूं तो इसका मतलब होता है कि कंपनी अपनी ग्रोथ को इनक्रीज़ करके अपनी पर यूनिट कॉस्ट को कम कर रही है। अब आप सोचेंगे किसी भी कंपनी की ग्रोथ होने पर उसकी पर यूनिट कॉस्ट कम क्यों होती है? इसके पीछे भी 5 रीज़न है। द फर्स्ट वन इज़ बल्क बाइंग इकोनॉमीज़। आप तो ये जानते हैं कि अगर आप कोई भी सामान अपने लिए कंजम्पशन के लिए भी परचेज़ करते हैं और अगर एक यूनिट परचेज़ करते हैं तो शॉपकीपर उसके रेट कम नहीं करता, लेकिन अगर आप उसको बोलेंगे कि आप 10 पीस लेंगे या 15 पीस लेंगे तो वो उसके रेट कम कर देगा। सेम उसी तरीके से जब एक बिजनेसमैन परचेज़ करता है रॉ मटेरियल, तो अगर क्वांटिटी कम है तो सप्लायर उसके रेट को कम नहीं करता, लेकिन जब बिजनेसमैन कहता है कि वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी परचेज़ करेगा तो सप्लायर भी रेट कम करने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, जब आप अपने प्रोडक्शन या ऑपरेशंस को इनक्रीज़ करते हैं तो जो सप्लायर है उसके साथ आप अच्छी बार्गेनिंग कर पाएंगे और सप्लायर भी आपके लिए रेट कम कर देगा, इसलिए बल्क बाइंग में आपको फ़ायदा होता है और आपकी कॉस्ट कम होती है। सेकंड, टेक्निकल इकोनॉमीज़। जब किसी कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ता है तो वो अपने प्रोडक्शन यूनिट में एडवांस मशीन रखनी शुरू कर देता है। एडवांस मशीन मतलब अच्छी और नई टेक्नोलॉजी की मशीन्स, और ये तो आप जानते ही हैं कि जब आप अच्छी और नई टेक्नोलॉजी की मशीन्स लगाएंगे तो वो पुरानी टेक्नोलॉजी की मशीन से ज़्यादा एफिशिएंट होंगी। एफिशिएंट का मतलब मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट कर पाएंगी, और जब कंपनी के पास पैसा आना शुरू होता है तो वो धीरे धीरे कुछ पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी लगाता है, जिसकी वजह से उसका प्रोडक्शन और एफिशिएंट बन जाता है। तो इसका भी फ़ायदा कंपनी को होता है अपनी कॉस्ट कम करने के लिए। थर्ड पॉइंट इज़ फाइनेंशियल इकोनॉमीज़। अगर कंपनी बड़ी होती है तो उसको फाइनेंस इकट्ठा करने में मुश्किल नहीं होती, यानी कि बड़ी कंपनीज़ को आपके बैंक्स भी ईजीली लोन प्रोवाइड कर देते हैं कम इंटरेस्ट रेट पर। क्योंकि बैंक्स ये सोचते हैं कि कंपनी बड़ी है, अच्छा परफॉर्म कर रही है, प्रोडक्शन भी हाई है, तो अगर हम इनको पैसे लेंड करेंगे तो पैसा हमारा रुकेगा नहीं, इसलिए बैंक्स भी बड़ी कंपनीज़ को पैसा देने में झिझकते नहीं हैं। फोर्थ पॉइंट, मार्केटिंग इकोनॉमी। अगर आप प्रोडक्शन कम कर रहे हैं और उसकी आप मार्केटिंग कर रहे हैं तो पर यूनिट प्रोडक्शन पे आपकी मार्केटिंग कॉस्ट ज़्यादा बनेगी। बट अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं, यानी कि एडवर्टीज़मेंट तो आप दे ही रहे हैं टेलीविज़न पे, या आप बैनर लगा रहे हैं, या फिर आप कोई भी अदर मीडियम यूज़ कर रहे हैं अपनी एडवर्टीज़मेंट के लिए, और आपका प्रोडक्शन बहुत हाई है,
तो पर यूनिट पर लगने वाला मार्केटिंग का पैसा आपका कम हो जाता है, तो मार्केटिंग बल्क प्रोडक्शन में सस्ती पड़ती है। एंड फिफ्थ पॉइंट इज मैनेजरियल इकोनॉमीज़। बड़ी कंपनीज़ या ग्रोथ करती हुई कंपनी अपने लिए अच्छा ह्यूमन रिसोर्स हायर करती है, स्पेशलिस्ट मैनेजर रखती है, एफिशिएंट मैनेजर रखती है। वो मैनेजर्स अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन का इस्तेमाल करते हैं और ऐसी स्ट्रेटजी और पॉलिसीज़ तैयार करते हैं जिनकी वजह से उनका प्रोडक्शन और बढ़ जाता है, जिसका फ़ायदा कंपनी को होता है और उनकी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है। तो ये हैं 5 पॉइंट्स जिनकी वजह से किसी भी कंपनी को इंटरनल इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल अचीव होता है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का मतलब जब एक्सटर्नल रीजंस की वजह से कंपनी के पर यूनिट कॉस्ट कम होती है तो उसे कंपनी के लिए एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल कहा जाता है। हमें ये अक्सर देखने को मिलता है कि जब भी कोई कंपनी ग्रो करती है और उसके जैसे 3-4 और कंपनीज ग्रो करती हैं तो वो इंडस्ट्री बहुत प्रॉस्पर हो जाती है, यानी कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ करने लगती है और उसके ग्रोथ करने के साथ साथ उससे मिलते जुलते जितने भी आपके अदर फैक्टर्स हैं वो भी ग्रोथ करते हैं। आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं मोबाइल इंडस्ट्रीज़ का। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मोबाइल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है उससे रिलेटेड बाकी सारी चीज़ें भी ग्रोथ पकड़ रही हैं, जिसकी वजह से कंपनी की वर्किंग कॉस्ट ईजी हो गई है। अब ऐसी ऐसी टेक्निक्स अपनाई जा रही हैं मोबाइल कम्युनिकेशन में जिसमें हम ज़्यादा प्रोडक्शन कम कॉस्ट पे कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हमें कंपनी के अंदर से नहीं, कंपनी के बाहर की ग्रोथ की वजह से मिलते हैं। जब भी किसी प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड बढ़ती है और कोई भी प्रोडक्ट फैशन में ज़्यादा चलता है तो उससे रिलेटेड बाकी चीज़ें भी ग्रोथ पकड़ने लगती हैं, जिसकी वजह से फ़ायदा उन कंपनीज़ को होता है जो उस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। अगर मैं इसको एग्ज़ाम्पल देकर समझाऊँ तो फर्स्ट पॉइंट है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन लिंक्स इम्प्रूव, यानी कि जिस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा बढ़ रही होती है और उसका प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ रहा होता है, डिमांड में होता है, उस प्रोडक्ट की इंडस्ट्रीज़ का ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन लिंक भी इम्प्रूव करता है, जिसका सीधा फ़ायदा होता है उन कंपनीज़ को और उनका प्रोडक्शन पहले के मुकाबले ज़्यादा सस्ता हो जाता है और पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है। सेकेंड पॉइंट है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन बिकम्स मोर फोकस्ड ऑन द इंडस्ट्री। यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस भी उन कोर्सेज़ को ज़्यादा ऑफर करते हैं जो मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, यानी कि जिन इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ मार्केट में ज़्यादा है उन इंडस्ट्रीज़ से रिलेटेड कोर्सेज़ यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करती हैं, जिनकी वजह से जो हमारा यूथ है वो उन कोर्सेज़, चाहे वो डिप्लोमा हो चाहे डिग्री हो, कोर्सेज़ को करके मार्केट में आता है जिनको कंपनीज़ हायर करती हैं। ये लोग स्किल्ड हैं और पर्टिकुलर फील्ड में काफ़ी अच्छे नॉलेज रखते हैं, जिसकी वजह से ये लोग कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कंपनीज़ को करवाते हैं, जिससे कंपनी की पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है और कंपनीज़ को इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट इज़ अदर इंडस्ट्रीज़ ग्रो टू सपोर्ट दिस इंडस्ट्री। जिस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में ज़्यादा होती है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी आपके रॉ मटेरियल के सप्लायर्स हैं वो भी धीरे धीरे ग्रोथ करने लगते हैं और नए नए सप्लायर्स मार्केट में एंट्री करने लगते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये कंपनी और ये इंडस्ट्री बेसिकली ग्रो कर रही है। अब जब सप्लायर ज़्यादा हो जाएंगे किसी भी इंडस्ट्री में तो वहाँ पर उनमें कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है और कंपटीशन में आगे निकलने के लिए वो अच्छी क्वालिटी एट मिनिमम कॉस्ट कंपनीज़ को प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं, जिससे कंपनीज़ को कॉस्ट कटिंग करने में सहायता मिलती है और उनका वही प्रोडक्शन पहले के मुकाबले कम रेट पर होना शुरू हो जाता है और कंपनी को इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का फ़ायदा मिल जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल के, कि किस तरह से कंपनीज़ को इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल अचीव होता है। पर कोई भी चीज़ एक लिमिट तक अच्छी होती है। अगर आप कंपनी के प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली वो आपको प्रॉफिट देना शुरू करेगा, क्योंकि आप इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल को अचीव करने लग जाएंगे, यानी कि आप मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट पे करने लग जाएंगे। बट आप सोचेंगे कि मैं प्रोडक्शन को और बढ़ाऊं और बढ़ाता ही जाऊं। बट किसी भी मशीन में आप जब ज़्यादा बर्डन डालते हैं तो वो आपको इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल एक लिमिट तक ही प्रोवाइड कर पाती है और कुछ टाइम के बाद वो जो कॉस्ट आपकी कम हो रही थी धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है, क्योंकि आप अपने प्रोडक्शन यूनिट पर और अपनी मशीनरी पर ज़्यादा बर्डन डालने लग जाते हैं
जिसको वो सह नहीं पाती और आपके प्रोडक्शन में नुकसान होना शुरू हो जाता है और कॉस्ट कम होने की बजाय धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है, जिसे कहते हैं डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब आपको मैंने अभी बताया, बट इससे होने वाले नुकसान भी काफ़ी हो जाते हैं। कंपनी का प्रोडक्शन जब ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है तो उसकी कुछ कमियां सामने दिखने लग जाती हैं, जैसे वो कस्टमर से टच खो बैठता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप एक लिमिट से ज़्यादा प्रोडक्शन कर देते हैं तो आप अपने कस्टमर पे फोकस नहीं कर पाते, आपका सारा ध्यान अपने प्रोडक्शन पे ही रहता है। आपके इतने कस्टमर बन जाते हैं कि आप पर्टिकुलर कस्टमर को ठीक से सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पाते। ये सबसे बड़ा नुकसान है आपकी कंपनी के लिए, अभी के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी। सेकंड, मैनेजर्स लूज टच विद द वर्कर्स। आपके मैनेजर्स के ऊपर भी इतना बर्डन पड़ जाता है काम का कि वो अपने काम को ही निपटा नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो वर्कर्स के साथ यानी कि अपने जूनियर्स के साथ, सबॉर्डिनेट्स के साथ ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेशन में नहीं रह पाता और उनको सपोर्ट भी नहीं कर पाता। ये भी ड्रॉबैक है आपकी ज़्यादा प्रोडक्शन का। एंड थर्ड वन इज़ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स बिकॉज द बिजनेस इज सो लार्ज। जैसा कि अभी मैंने बताया, ज़्यादा बड़ा बिजनेस होने से आप सबके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, और जितना ज़्यादा आप अपना कम्युनिकेशन को लूज़ करते रहेंगे आपके बिज़नेस के लॉसेस बढ़ते चले जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी वही जो पहले कॉस्ट आ रही थी, वही जो पहले प्रोडक्शन में कम कॉस्ट आ रही थी, धीरे धीरे करके कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी, चाहे वेस्टेज के थ्रू चाहे किसी और रीज़न के थ्रू। इन सबको कहते हैं डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो कोई भी कंपनी ना ही बहुत कम प्रोडक्शन करना चाहेगी और ना ही बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहेगी, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन में उसको लॉस होता है। तो फिर आप सोचेंगे कि ना ज़्यादा प्रोडक्शन करना है ना कम प्रोडक्शन करना है, तो एक्चुअल में किसी भी कंपनी को कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, उसके लिए मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझा सकता हूँ। देखिए, ये डायग्राम आपको दिख रहा है, वाई एक्सिस शो कर रही है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का मतलब टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, यानी कि पर यूनिट पर लगने वाली कॉस्ट। तो ये है आपकी एवरेज कॉस्ट, और वाई और एक्स एक्सिस दिखा रहा है आउटपुट, यानी कि टोटल प्रोडक्शन। तो आप यहाँ पर देखेंगे, पहले आपकी एवरेज कॉस्ट नीचे की ओर आ रही है। ये कौन सा टाइम है, ये टाइम है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का, यानी कि यहाँ पर आपका आउटपुट देखिए कितना कम था, इतना था। धीरे धीरे आप आउटपुट को बढ़ाएंगे 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 और आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल की सिचुएशन में आते जाएंगे, यानी कि पर यूनिट कॉस्ट आपकी कम होती जाएगी, और इसी वजह से आपकी एवरेज कॉस्ट देखिए यहाँ से नीचे आ रही है, क्योंकि जैसे जैसे आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं पर यूनिट कॉस्ट आपकी कम होती जा रही है, और धीरे धीरे करते करते ये मिनिमम लेवल तक आ जाएगी जो आपके प्रोडक्शन का लेवल है क्यू। अब अगर आप इससे आगे प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो आपके सामने डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल वाली प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, यानी कि आपके मैनेजर का कंट्रोल छूट रहा है, या आप अपने कस्टमर से ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, आप अपने कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, बिज़नेस इतना बढ़ता जा रहा है कि आप हर चीज़ को ठीक से नहीं पकड़ पा रहे, वो चीज़ें आपके हाथ से निकलती चली जा रही हैं, जिसकी वजह से फिर से कॉस्ट बढ़ने लग गई, वेस्टेज बढ़ने लग गई, और आप देखेंगे एवरेज कॉस्ट फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लग जाएगी, और ऐसे करते करते ये पूरी एवरेज कॉस्ट यू शेप की बन जाती है। तो ना आप इस पॉइंट पर रहना पसंद करेंगे और ना ही आप इस पॉइंट पर रहना पसंद करेंगे, क्योंकि दोनों ही पॉइंट पर आपकी एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है। तो किसी भी बिज़नेस के लिए ज़रूरी है कि वो अपने आप को इस लेवल पे, यानी कि क्यों लेवल के प्रोडक्शन को मेंटेन करे, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी एवरेज कॉस्ट बिल्कुल कम है। तो ये एक मैनेजर के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है कि वो अपने प्रोडक्शन को उस लेवल पे लाए जहाँ पर उसकी एवरेज कॉस्ट बिल्कुल मिनिमम है। तो इस डायग्राम से मैं समझता हूँ कि आप इकोनॉमीज़ और डिस इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल को ईजिली समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच।